सधनि समागरे सारे निसा धनि धनि सधनि समागरे सारे दम निकले फिर पीछे घर में रहने देना कोई दम निकले फिर पीछे घर में रहने देना कोई दम निकले फिर पीछे घर में रहने देना कोई क्या करता है तेरी मेरी झूठी प्रीत संजोई क्या करता है तेरी मेरी झूठी प्रीत संजोई तुम निकले फिर पीछे घर में रहने देना कोई जब तक तेरे दिए में बाती झिल मिल होई जब तक तेरे दिए में बाती झिल मिल होई तेल जले बाती ठहरानी जले बाती ठहरानी सुना मंदिर होई तम निकले फिर पीछे घर में रहने देना कोई पीछे घर में रहने देना कोई क्या करता है मेरी मेरी झूठी प्रीत संजोई क्या करता है मेरी मेरी झूठी प्रीत संजोई दम निकले फिर पीछे घर में रहने देना कोई किसके किसकी बहन मात पित किसके कौन पुरुष की जोई कौन पुरुष की जोई घट दिन से कोई बात न पूछे बिन से कोई बात न पूछे ले चल होई दम निकले फिर पीछे घर में रहने देना कोई दम निकले फिर पीछे घर में रहने देना कोई क्या करता है मेरी मेरी प्रीत संजोई क्या करता है मेरी मेरी झूठी प्रीत संजोई दम निकले फिर पीछे घर में रहने देना कोई
ठहरी बैठी माता रोवे, ठहरी बैठी माता रोवे, ठठरी ले गयो भाई, ठहरी बैठी माता रोवे, ठहरी बैठी माता रोवे, ठठरी ले गयो भाई, लट छिटकाए तिरिया रोवे, लट छिटकाए तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई, कम निकले फिर पीछे घर में रहने देना कोई, कम निकले फिर पीछे घर में रहने देना कोई, क्या करता है मेरी मेरी झूठी प्रीत संजोई, क्या करता है मेरी मेरी झूठी प्रीत संजोई, कम निकले फिर पीछे घर में रहने देना कोई। घड़ी पलक एक कोई न राखे, देख रहे सब कोई, घड़ी पलक एक कोई न राखे, देख रहे सब कोई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यागत सबकी होई, दम निकले फिर पीछे घर में रहने देना कोई, दम निकले फिर पीछे घर में रहने देना कोई, क्या करता है मेरी मेरी झूठी प्रीत संजोई, क्या करता है मेरी मेरी झूठी प्रीत संजोई, दम निकले फिर पीछे घर में रहने देना कोई, रहने देना कोई, रहने देना कोई। साहेब ये बहुत पुराने जमाने में लोग बड़ा धीरे धीरे गाते थे बंदगी में, तो लोग कान लगा के सुना करते थे कि कह क्या रहे, और अगर इसी चीज को जोर जोर से गाएं तो लोग थोड़ा सा कतराते हैं। जरूरी है कि बातों को, उसके रहस्य को जानने के लिए कान लगाया जाए। आइए एक पद और रख रहा हूं ऐसे ही संबंधित पद, क्या देखी दीवाना हुआ रे, क्या देखी दीवाना हुआ रे, क्या देखी दीवाना हुआ रे, देखी दीवाना हुआ रे, क्या देखी दीवाना हुआ रे, देख दीवाना हुआ रे,
देख दीवाना हुआ रे। माया सूली सेज बनी है, माया सूली सेज बनी है, माया सूजी सेज बनी है, काम नरक का कुमारे। माया सूली सेज बनी है, माया सूली सेज बनी है, काम नरक का कुमारे। काम नरक का कुआं रे, काम नरक का कुआं रे, क्या देख दीवाना हुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ रे। हाड़ मास माटी का पिंजर, हाड़ मास माटी का पिंजर, तामे मनुआ सुआरे। हाड़ मास माटी का पिंजर, तामे मनुआ सुआरे, काम मनुआ सुआरे, क्या देख दीवाना हुआ रे। भाई बंधु और कुटुम कबीला, भाई बंधु और कुटुम कबीला, काम में पची पची मुआरे। भाई बंधु और कुटुम कबीला, पची पची मुआरे, कामे पची पची मुआरे, क्या देख दीवाना हुआ रे। देख दीवाना हुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ। मन को साधो, तन को साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हारी चले जग जुआरे, हारी चले जग जुआरे, हारी चले जग जुआरे, क्या देख दीवाना हुआ रे। देख दीवाना हुआ।
प्यारे क्या देख दीवाना हुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ रे, देख दीवाना हुआ रे, देख दीवाना हुआ रे, क्या देख दीवाना ये पुराने जमाने की गायकी थी। बड़ा धीरे धीरे लोग गाते थे और शब्दों पर जाते थे। आइए अब थोड़ी चलन पर एक गीत में, जैसा कि आज चल रहा है, मैं चलने का मतलब ये नहीं कि मैं संस्कृति से हटके गाऊंगा, संस्कृति के भीतर ही गा रहा हूँ, ये सब लोग जानते हैं, उस गीत को एक गीत में प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बस, अरे बहुत समय है, फालतू समय बहुत खराब करते हैं। क्या दे क्या ढूंढ रहे बन बन घट घट में समाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन घट घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर, उसकी तो छाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन घट घट में समाया है, हजार करे पर भीतर ना उजियार करे, तू बाहर जतन हजार करे पर भीतर ना उजियार करे, मन मार थके तन घट में समाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन घट घट में समाया।
है कोई तीरथ मूरत, दौलत है कोई पत्थर पानी, धोबत है नित पास तेरे तू पास तेरे तू दूर फिरे, बिरथा भर माया है क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है घट घट में समाया है। चंद दिखे जल में तालाब कूप गागर जल में, क्यों राम रमे अल्लाह रमे, क्यों राम रमे अल्लाह रमे, कोई भेद न पाया है क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। और जब ये लगता है कि वो घट घट में समाया है, हर में हरि को देखा साधो, हर में हरि को देखा, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है, हम एक दूसरे को सुविधा दें, यही उसकी पूजा है। बन सके दया कर दे आराम, कर प्रेम सकल घट रमे राम, बन सके दया कर दे आराम, कर प्रेम सकल घट रमे राम, जप सत्य नाम तज कपट काम, जप सत्य नाम तज कपट काम, कह चंदु लखाया है क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे उसकी तो छाया है क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। बंदगी बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय, संत सतगुरु अभिलाष साहेब जी की जय, संत धर्मेंद्र साहेब जी की जय, और भक्त समाज की जय, संत समाज की जय। धन्यवाद सज्जनों, आप पूरी तल्लीनता से इन भजनों को सुने,
जीवन में उतारें, बस यही कामना है। इसके साथ हमारे एक मित्र हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो आपके बीच कुछ रखें। हेलो, बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, बोलिए संत समाज की जय, बोलिए गुरु महाराज अबला साहेब की जय। जी सज्जनों, मैं जिला मुरैना से, परगना सबलगढ़ जिला मुरैना मध्य प्रदेश, यानी सूखा साल से जाना जाएगा। तो लीजिए सज्जनों, मैं आपके सामने एक चेतावनी भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आए हैं सो जाएंगे अब राजा रंक फकीर, और ये कछंगासन चढ़ चला दूजा बंधा जंजीर। हे सज्जनों, संसार में जीव आया है तो कुछ करके जाना है। तो देखिए पद में क्या कहते हैं गुरुदेव। अरे जगत को नेव छोड़ के, आए जगत को नेऊ छोड़ के धर ले गुरु जी को ध्यान, जगत को ने
अरे सो
बोलिए संत समाज की जय। हेलो, हाँ छोड़ दो तुम, मैं करता हूँ। अमन इधर आओ, इसमें इतनी देर। हेलो, काफी देर से भजन गायकों से भजन सुन रहे थे और मैं सोच के आया था जाते ही फुल स्टॉप करवा दूंगा लेकिन हमारे बीच एक वीआईपी आ गए हैं हैदराबाद से बाबू गुरुजी, इतने अच्छे वे भक्त हैं और उनके बारे में अब ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं है, बहुत घनिष्ठ हैं और अच्छा गाते हैं और आप एक आप बजाएंगे ना वही लोग। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, सभी संत समाज की जय, सभी प्रदेशों से आए हुए गुरु भाइयों की जय। पहले आपको मैं अपने बारे में थोड़ा परिचय करा दूं कि मैं कोई बहुत बड़ा कलाकार नहीं हूँ, कोई गायक नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। थोड़ा बहुत गुरु जी का भजन करता हूँ, सत्संग करता हूँ और गुरु जी के जो मार्गदर्शन में जो भी शब्दों के द्वारा बताया जाता है मैं उसका पालन करता हूँ। और यहाँ पर मैं बड़े ही मेरे सौभाग्य है जो आज यहाँ पर इलाहाबाद प्रयागराज के कपिलास साहब जी के चरणों में यहाँ पे मुझे यहाँ पर जो बुलाया गया, यहाँ पर स्थान दिया गया है तो मैं उसका बहुत बहुत आदर सम्मान करता हूँ। तो मैं हमारे पीछे जो बैठे हुए कलाकार लोग कृपा मेरे को लेके चले, क्योंकि मैं आप सभी पांच छह जन को लेके नहीं चल पाऊंगा, आप मुझे लेके चले। धन्यवाद। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना जी, मगन रहना, मगन रहना जी, रहना कुछ लेना
कुछ लेना ना देना मगन रहना 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 जी मगन रहना मगन रहना जी मगन रहना कुछ लेना ना देना मगन रहना कुछ लेना ना देना मगन रहना कुछ लेना ना देना बनाया पिंजरा पांच तत्व का बनाया पिंजरा ता में बैठ के बोले मुनिया ता में बैठ के बोले मुनिया कुछ लेना ना देना मगन रहना कुछ लेना ना देना मगन रहना कुछ लेना ना देना मगन रहना जी मगन रहना मगन रहना जी मगन रहना कुछ लेना ना देना मगन रहना कुछ लेना ना देना कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भई साधो कहत कबीर सुनो भई साधो गुरु के चरण में लिपट रहना गुरु के चरण में लिपट रहना कुछ लेना ना देना मगन रहना कुछ लेना ना देना मगन रहना कुछ लेना ना देना मगन रहना जी मगन रहना मगन रहना जी मगन रहना कुछ लेना ना देना मगन रहना कुछ लेना ना देना मगन रहना कुछ लेना ना देना। बोलिए श्री सतगुरु देव। धन्यवाद आप लोगों ने जो मुझे समय दिया है गुरु जी ने और आप लोगों ने यहाँ मेरे जो समय दे के सुना उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हेलो बहुत बहुत धन्यवाद बाबू गुरुजी। हाँ हैदराबाद से आप आए अभी गर्मी में आपने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करवाया जिसमें हम सभी गए थे और इस कार्यक्रम में आप आए भजन भी सुनाए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच विभिन्न साध्वी आश्रमों से साध्वियाँ आई हुई हैं मेरा निवेदन है कि आप लोग मंचस्थ हों और जब तक वो लोग व्यवस्थित बैठें इसके पहले हमारे बीच हमारे एक साथी अजय जी हैं उनसे थोड़ा विचार सुनते हैं। इधर आ जाएं अजय इधर बैठ लो इधर हाँ ये रास्ता ये बिल्कुल ये पूरी पट्टी हाँ आप लोग आ जाएं सुमेधा आ जाओ कुर्सी कुर्सी उन लोगों के लिए है जो कुर्सियां लगी है कुर्सियां पर बैठे हैं वे लोग क्या मेरी बातों को सुन रहे हैं जिनके कमर में दर्द हो घुटने में प्रॉब्लम हो बुजुर्ग हो जिनको सचमुच जमीन पर बैठने में कठिनाई होती हो वे लोग बैठ सकते हैं दूसरों के लिए छोड़ दें और जाजिम है ना संत लोग बैठेंगे जाजिम बिछी हुई है संत लोग बैठे और भी बैठ सकते तो हैं लेकिन कुर्सियाँ सचमुच जिनको नीचे बैठने में तकलीफ होती है उनके लिए कुर्सी छोड़ देंगे। हाँ है ना बैठो सर ये उठाओ
हाँ भूपेन कही है आसन आ, अच्छा ये सरकार दो अब पीछे कर दो एक जने एक यहाँ बैठ लें इसको हटा दो यहाँ से हाँ बस ठीक है हाँ बैठो ना बोलो अजय बोलो 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 बोलिए सदगुरु देव की जय संत समाज की जय भक्त समाज की जय ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर देव गुरुर धर्म गुरु निष्ठा परम तप गुरु पर तरंग नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम पूज्यवर गुरुदेव जी मुद मंगलमय संत समाज दूर दराज से आए हुए संतगण एवं साध्वी एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों श्री साहेब जी की आज्ञा हुई है कुछ देर आप लोगों के बीच विचार प्रस्तुत करता हूँ। सदगुरु कबीर साहेब ने एक साखी में कहा है नित खरसान लोहा घुन छूटे नित की गोष्ट माया मोह टूटे। अभी हम लोग सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ जो बीजक पाठ सुन रहे थे उसी में यह साखी है नित खरसान लोहा घुन छूटे नित की गोष्ट माया मोह टूटे। सदगुरु कबीर साहब की यह जो साखी है एक लाइन की है अन्य साखी दो दो लाइन की है लेकिन सिर्फ इसमें एक लाइन है और इस एक लाइन के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब बताना चाहते हैं आदमी के जीवन में परिवर्तन कैसे होगा आदमी का जीवन कैसे बदलेगा उसके लिए सदगुरु निर्देश करते हैं नित खरसान लोहा घुन छूटे। सदगुरु कबीर साहब अपनी बातों को रखने में इतने माहिर हैं कि देहात से देहाती आदमी भी उनकी बातों को आसानी से समझ लेते हैं। इन पंक्तियों को ध्यान दें नित खरसान लोहा घुन छूटे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जैसे लोहे में जंग लग जाता है उसको छुड़ाने के लिए एक पत्थर होता है। सब जानते हैं जब आपके घर में कोई औजार में जंग लग जाता है तो एक पत्थर होता है खरसान जिससे धार तेज किया जाता है या आप लोहार के घर में उसको देखते हैं और वहाँ आप जाते हैं अपने औजार को लेकर तो वह धार को तेज कर देता है जिससे आपको काम करने में सुविधा होती है। उसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब यहाँ बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख है उसका कारण है एक मन और मन में मोर्चा लगा हुआ है और उस मोर्चा को हमें दूर करना है। तो साहब कहते हैं जिस प्रकार लोहे में जंग लग जाता है तो उसे खरसान पे चढ़ाते हैं उसी प्रकार हमारे मन में जो मोर्चा है उसको हमें दूर करना है तो या जो संतों का मेला लगा हुआ है सत्संग है
इसमें अपने मन के मोर्चा को धोएं। अभी आदरणीय श्री चंदूलाल कबीरपंथी जी से बहुत सुंदर भजन सुन रहे थे और उस भजन में आया है क्या देख दीवाना हुआ रे, सदगुरु कबीर साहब का पद है और इस भजन का भाव बहुत ही मार्मिक है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे भाइयों क्या देख के दीवाना हुए हो, देखते ही हैं संसार की चीजें कितनी हमको प्रभावित करती है, उसी प्रभाव को दूर करने के लिए यह सत्संग है, संतों का संग है। हम लोग जो दूर दराज से आए हुए हैं, कहा जाए विभिन्न प्रांतों से संत जन भक्त जन एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे इस सभा में इस 42वें वार्षिक अधिवेशन में पधारे हैं, सबको कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद की ओर से अनेक अनेक धन्यवाद है कि आप लोग पधारे हैं। तो मैं कह रहा था हमारे जीवन में अगर सत्संग का रंग अपने जीवन में लाना चाहते हैं, साहब कहते हैं रोज रोज सत्संग करो। सत्संग से तात्पर्य क्या है, संतों का संग। अब आजकल का जमाना कहा जाए कि वैज्ञानिक जमाना है, आप घर बैठे विदेश में क्या क्या हो रहा है इत्यादि देख सुन सकते हैं और यहाँ क्या हो रहा है आप बाहर भेज सकते हैं। आज सबके पास करीब करीब साधन है। तो साहब कहते हैं हमारे जीवन में संतों का रंग कैसे चढ़ेगा, उसके लिए साहब कहते हैं नित खरसान लोहा घुन छूटे, नित की गोष्ठ माया मोह टूटे। सदगुरु कबीर साहब उदाहरण देके समझाना चाहते हैं कि माया का रंग अगर छुड़ाना चाहते हो तो संतों का संग करो, सत्संग करो। हमें माया क्या करती है, हमारे मन में जो मोर्चा है उसको एक आवरण दे देता है जहाँ से आदमी सही से जान नहीं पाता है कि संसार में सत्य क्या है। सद्गुरु कबीर साहब तो बहुत से पदों में चेतावनी भजन बताए हैं, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, सद्गुरु कबीर साहब का यह प्रसिद्ध पद है और इस प्रसिद्ध पद में सद्गुरु कबीर साहब देखी नश्वरता का वर्णन इसमें दिखाते हैं कि आदमी कैसे कैसे इस जीवन को पाकर करता है। और आदमी का जीवन ऐसा है कि यह जो सबके हाथ से 3.5 हाथ का यह शरीर है इसी में भूला रहता है और सोचता है कि यही सुंदर शरीर हमें सब दिन के लिए बना रहेगा। देखते ही हैं कि आदमी कोई कोई तो जन्म लेते ही कुछ समय में यहाँ से चले जाते हैं और कुछ ऐसे सौभाग्यशाली आदमी होते हैं कि कुछ दिन यहाँ रहना होता है, कुछ 40 में 50 में 100 में, लेकिन एक बात तय है चाहे आप 100 वर्ष जिए चाहे 40 वर्ष जिए एक बात कॉमन है कि सबको यहाँ से जाना पड़ता है। चाहे आप उस हकीकत को शुरू से ही जान जाएं, शुरू से तात्पर्य क्या है, जब आपके पास संतों का बोध प्राप्त हो या आपके काजा विवेक खुल जाए उससे आपको बोध हो जाए, चाहे आप जिस भी माध्यम से अपने मन को समझा लें, अपने मन को राजी कर लें। मन को राजी करने का तात्पर्य है कि संसार की वास्तविकता का दिग्दर्शन हमें हो, इसके लिए हमें रोज रोज सत्संग की जरूरत पड़ती है। लोगों की शिकायत होती है कि सत्संग से हमें क्या मिलता है,
या हमें विचार करना चाहिए, सत्संग से हमें वह ज्ञान की कुंजी मिलती है, जिस कुंजी को पाकर आदमी का जीवन निहाल हो जाता है। अब इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको दूं, अभी जो मैं दो आधार कार्ड के बारे में आपको बता रहा था, एक आपके बिहार के गोपालगंज का और एक रीवा मध्य प्रदेश से, एक भाई यहाँ आए, वो एक आदमी तो आधार कार्ड दिए ही, साथ साथ एक आदमी थैली में लेके पैसा लेके आए, वे नहीं गिने के कितना है, और आके यहाँ जमा कर दिए। तो वे ले भी सकते थे पैसा को, लेकिन वे सज्जन ऐसे हैं लाके यहाँ जमा किए और कहे कि जिसका यह आधार कार्ड है उसी का यह है। तो कैसे नहीं कहा जा सकता है कि अभी मानवता जीवित है। मानवता जीवित करने का तात्पर्य है कि मन अच्छा होना। मन का अच्छा होना क्या तात्पर्य है? मन का अच्छा होना है सबके साथ सुंदर व्यवहार करना, और जो अपनी वस्तु नहीं है उसको ढेला समझ लेना, कूड़ा समझ लेना, ये बड़ी बात है। और ऐसे विचारों को हमें जीवित रखना है। तो जीवित रखने के लिए आपको रोज कहा जाए कि झाड़ू लगाने की जरूरत पड़ेगी, संतों को संग की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जो साल में एक बार संतों का यहाँ मेला लगता है, इसीलिए कहा जाता है संतों मेला कीजिए भर भर पीजिए। तात्पर्य है जिनके जीवन में सत्संग का रंग चढ़ गया, चाहे कहीं भी संतों का कार्यक्रम होता है, वे यह नहीं देखते कि हमें क्या सुविधा मिलेगी क्या नहीं, देखते ही हैं। यहाँ भी वही दिग्दर्शन होता है, या नहीं समझते हैं कि घर में बढ़िया बढ़िया चीज खाने को मिलता है, और यहाँ पैरे में पड़े हैं, कहीं पेड़ के नीचे पड़े हैं, आप लोग देखते हैं, वे चिंता नहीं करते कैसे खाने को मिलेगा, लेकिन उनके मन में एक भाव है, सुंदर भाव है कि वहाँ जाएंगे तो हमें कुछ मिलेगा, और यहाँ से लेकर हमें जाना है और सुंदर जीवन का निर्माण करना है। तो मैं कह रहा था, अगर अपने जीवन में रंग भरना चाहते हैं, रोज रोज संतों का संग करें, सत्संग करें, तभी हमारे जीवन में सुंदर रंग चढ़ सकता है, संतों का रंग चढ़ सकता है। श्री साहिब जी ने मुझे कुछ देर के लिए निवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम दे रहा हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की, संत समाज की, भक्त समाज की, सद्गुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी साहेब।